Hey, what's up guys? Welcome back to my channel. तो आज मैं आप सबके लिए एक ऐसे पिज्जा की रेसिपी लेकर के आई हूँ जो बाहर के किसी भी पिज्जा को फेल कर देगा, और इसे बनाने में थोड़ा वक्त जाता है लेकिन इसमें जो भी मेहनत लगती है वो इसका रिजल्ट देखने के बाद पूरी सफल हो जाएगी। तो चलिए इस टेस्टी से पिज्जा की रेसिपी को बनाने की शुरुआत करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले एक बर्तन में करीबन 300 ग्राम मैदा ले लीजिएगा। मैंने ये वाले कप से 3 कप मैदा लिया है, तो ये टोटल 300 ग्राम मैदा है। उसके बाद इसे इस तरीके से छान कर लीजिएगा। ऐसा करने से मैदे में जो भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर आ जाएंगे। उसके बाद इसमें 1.5 टेबल स्पून जितना मिल्क पाउडर ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए, ये जो इंस्टेंट वाला ड्राई ईस्ट आता है वो मार्केट में आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा, तो आप इसे खरीद लीजिएगा। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पर बेकिंग पाउडर वगैरह यूज़ करके भी डो बना सकते हैं। उसकी रेसिपी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये जो ड्राई ईस्ट है वो भी इसमें 1.5 टीस्पून ऐड कर दिया है, और उसके बाद इसके ऊपर से इसमें 1.5 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी ऐड कर दीजिएगा, और उसके बाद 1 टीस्पून जितना सॉल्ट ऐड कर दीजिएगा, और इन सभी चीज़ों को एक बार ड्राई मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे ही ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगी, तो इसमें ये जो नॉर्मल वाला चम्मच होता है वो वाले चम्मच से 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दीजिएगा। फिर इसे भी आटे वगैरह के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद हल्का गुनगुना पानी ले लीजिएगा, और धीरे धीरे इसमें पानी ऐड करके इसका एक सेमी सॉफ्ट डो तैयार कर लीजिएगा। जो डो है वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए, ये बिल्कुल भी ज़्यादा चिपचिपा नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा कड़क भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए, अब इसमें जब भी मैं पानी ऐड करूँगी गुनगुना पानी ही ऐड करूँगी, और इसमें करीबन 1/2 कप जितना पानी लग गया है, और उसके बाद ये इस तरीके का डो बन करके रेडी हो गया है। तो अब देखिए, हमारा जो डो है वो एकदम अच्छी तरीके से बन करके तैयार है। अब इसे हल्का सा नीट कर लीजिएगा, और देखिए ये बस इसी टाइप का रहना चाहिए, इससे ज़्यादा चिपचिपा नहीं होना चाहिए। अब एक बोल ले लीजिएगा और उसको थोड़े से ऑयल के साथ ग्रीस कर दीजिएगा, और फिर जो हमने डो बना करके रेडी किया था उसे जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ उस तरीके से अंदर की तरफ टक कर दीजिएगा और इस बोल में रख दीजिएगा। उसके बाद इस डो के ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर दीजिएगा। उसके बाद इसे क्लिंग रैप से या फिर किसी प्लेट वगैरह से अच्छी तरीके से कवर कर दीजिएगा, और इसे कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर रेस्ट करने के लिए रख दीजिएगा। जैसे कि आपका जो ओवन वगैरह है उसे बिना ऑन करे इसे रेस्ट करने के लिए रख दीजिएगा, या फिर आपके घर में जो भी गर्म जगह हो इसे वहाँ रख दीजिएगा, और तब तक 1-1.5 घंटे में ये अच्छी तरीके से फर्मेंट हो जाएगा। तो चलिए, तब तक बाकी के एलिमेंट्स को रेडी कर लेते हैं। तो चलिए, आप इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। उसके लिए एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिएगा, उसके बाद उसमें फाइनली चॉप्ड गार्लिक ऐड कर दीजिएगा, और गार्लिक को बस 1 सेकेंड के लिए टॉस कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें फाइनली चॉप्ड अनियंस ऐड कर दीजिएगा, और उन्हें भी इसमें 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा ऑरिगैनो, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा रेगुलर वाला सॉल्ट, उसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दीजिएगा। इन सभी चीज़ों की मैं डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जा करके चेक कर लीजिएगा। उसके बाद इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिएगा, और उसके बाद इसमें करीबन 2 से 3 टेबल स्पून जितना जो पिज़्ज़ा सॉस आता है वो ऐड कर दीजिएगा। आपको अगर इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस बनाना सीखना है तो मैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगी उसे ज़रूर चेक करिएगा। तो देखिए, अब मैंने पिज़्ज़ा सॉस को ऐड कर दिया है, अब इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिएगा। उसके बाद इसमें फाइनली चॉप्ड कैप्सिकम ऐड कर दीजिएगा, और उन्हें भी बस 1 से 2 मिनट के लिए पका लीजिएगा जिससे इनका क्रंच ना जाए। उसके बाद इसमें करीबन 50 ग्राम्स ऑफ पनीर ऐड कर दीजिएगा, और उसे भी सभी चीज़ों के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिएगा। और देखिए, हमारी एकदम टेस्टी और जूसी वाली स्टफिंग बन करके रेडी है। तो चलिए, आप अपने डो को चेक कर लेते हैं। तो देखिए, अब मैंने इसे 1.5 घंटे के लिए कवर करके रखा था, अब मैं इसका क्लिंग रैप हटा रही हूँ। तो देखिए, हमारा जो डो है वो साइज़ में राइज होकर के एकदम डबल हो गया है, इसका मतलब ये बहुत ही अच्छी तरीके से फर्मेंट हुआ है।
अब इसे जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ उस तरीके से पंच कर दीजिएगा और इसे बोल से बाहर निकाल लीजिएगा। देखिए हमने बोल में अच्छी तरीके से ऑयल लगाया था इसलिए ये बिल्कुल भी चिपका नहीं है। अब इसे डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे ही बाहर निकाल लीजिएगा। उसके बाद कम से कम इसे 5 मिनट के लिए अच्छी तरीके से नीट करिएगा जिसकी वजह से इसमें एक अच्छा सा ग्लूटेन डेवलप हो जाएगा जिसकी वजह से हमारा जो पिज़्ज़ा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा और फ्लफ़ी बनेगा। तो देखिए अब मैं इसे करीबन 5 मिनट के लिए नीट कर लूँगी। उसके बाद मैं अपने डो को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी क्योंकि आज मैं 2 बड़े साइज़ के पिज़्ज़ा बनाने वाली हूँ इसलिए मैं इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग इसे छोटे पिज़्ज़ा बनाना चाहें तो 4 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं लेकिन उसमें थोड़े रेगुलर साइज़ वाले पिज़्ज़ा बनेंगे और मैं जो बना रही हूँ वो मीडियम टू लार्ज साइज़ के पिज़्ज़ा हैं। तो देखिए अब मैंने डो को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। अब एक हिस्से को मैं वापस से क्लिंग रैप से कवर करके रखूँगी। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है इसे बेलने की तरफ चलते हैं। तो इसको बेलने के लिए आज मैं कोई मैदा वगैरह यूज़ नहीं करूँगी। जो मक्के का आटा हम घर पर यूज़ करते हैं उसी से मैं इसे अच्छी तरीके से बेलूंगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने डायरेक्ट स्लैब पर ही थोड़ा सा मक्के का आटा डस्ट कर लिया है। उसके बाद मैं इसे धीरे धीरे करके बेलना स्टार्ट करूंगी। मक्के का आटा यूज़ करने से ऐसा होता है कि जो हमारे पिज़्ज़ा का बेस होता है वो बहुत ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी बनता है। तो देखिए अब मैं जब जब बेलूंगी और जब जब मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा जो पिज़्ज़ा बेस है वो चिपक रहा है तब तब मैं इसमें नीचे मक्के का आटा ही डस्ट करूंगी। तो देखिए अब मैं इसे धीरे धीरे रोल कर रही हूँ और नीचे बीच बीच में मक्के का आटा भी डालती जा रही हूँ और अपने हाथों से भी इसे थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ। अब मैं इसे कम से कम बहुत मतलब मीडियम साइज़ का जितना पिज़्ज़ा होता है उतना बड़ा बेल करके तैयार करूँगी। तो देखिए मैंने इतना बड़ा पिज़्ज़ा बेस बना करके रेडी कर लिया है। ये साइड से थोड़ा सा मोटा है और बीच में हल्का सा पतला है। अब जो पिज़्ज़ा बेस बना करके रेडी किया है उससे छोटी कोई प्लेट होगी तो उससे आप इस तरीके से एक मार्किंग ले लीजिएगा। उसके बाद जो मार्किंग का शेप आया है उसी एरिया में जिस तरीके से मैं स्टफिंग को डाल रही हूँ उसी तरीके से आप भी इसे स्टफ़ करिएगा। बीच में बिल्कुल भी स्टफिंग को मत आने दीजिएगा। बस जिस तरीके से मैं साइड साइड में स्टफिंग डाल रही हूँ उसी तरीके से पूरे पिज़्ज़ा में आप स्टफिंग को डाल करके इसे रेडी कर लीजिएगा। तो देखिए अब मैंने पूरे सर्कल में स्टफिंग को डाल करके रेडी कर लिया है। अब जो साइड वाला एरिया है उसे पिज़्ज़ा कटर से या फिर किसी नाइफ की हेल्प से जिस तरीके से मैं पतली स्ट्रिप्स में कट कर रही हूँ उस तरीके से कट कर लीजिएगा। तो जो आज का हमारा पिज़्ज़ा होने वाला है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होगा और दिखने में बहुत सुंदर भी होगा। तो देखिए अब जो मैंने स्ट्रिप्स कट करी थी उन्हें कैसे मैं एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रही हूँ और इन्हें बहुत अच्छी तरीके से जो हमारी स्टफिंग है उसे इन स्ट्रिप्स के साथ अच्छी तरीके से कवर करूँगी। तो देखिए अब मैंने पूरी स्टफिंग को जो स्ट्रिप्स थी उनके साथ अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। अब जो बीच वाला एरिया है उसको मैं इस तरीके से नाइफ़ या फिर फोक की हेल्प से प्रिक कर दूंगी वरना जो हमारा पिज़्ज़ा है वो बीच से फूल जाएगा। तो देखिए अब मैं साइड में जो प्रिक नहीं किया है वो वाला एरिया बहुत अच्छी तरीके से फूलेगा और ये जो हमने स्ट्रिप्स को सील किया था उन्हें अच्छी तरीके से लॉक करने के लिए एक बार आप ऐसे फोक की हेल्प से एक और बार सील कर दीजिएगा। अब जो बीच वाला एरिया है वहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस लगा करके अच्छी तरीके से स्प्रेड कर दीजिएगा। तो देखिए अब मैंने बीच वाले एरिया में अच्छी तरीके से पिज़्ज़ा सॉस को स्प्रेड कर लिया है। अगर आप चाहें तो इस वक्त यहाँ पर क्रीम चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं या फिर मेयोनीज भी यूज़ कर सकते हैं, वो टोटली आपकी चॉइस है। उसके बाद इसमें आप अपने पसंद की वेजीज़ ऐड कर दीजिएगा। तो वेजीज़ को ऐड करने से पहले इसमें थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद इसके ऊपर मैं थोड़े से अनियंस ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी कैप्सिकम ऐड कर रही हूँ, थोड़े से कॉर्न्स डाल रही हूँ, थोड़े से ऐसे स्लाइस किए हुए टमेटोज ऐड कर रही हूँ और थोड़े से मशरूम्स ऐड कर रही हूँ। उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ और डाल दीजिएगा और फिर उसके बाद इसे बेक करने से पहले इसके ऊपर थोड़ा सा ओरिगैनो और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स को ऐड कर दीजिएगा। तो देखिए हमारा जो पिज़्ज़ा है वो बेक होने के लिए एकदम रेडी है। अब इसे OTG में बीच वाली रैक में डाल दीजिएगा और इसे 180 डिग्री पर 20 मिनट्स के लिए बेक कर लीजिएगा। अगर आपके पास OTG वगैरह नहीं है तो आप इसे गैस में भी बेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक तवा लेना होगा, उसके ऊपर कोई भी हाइटेड चीज़ रखनी होगी जैसे कोई कटोरी वगैरह। उसके बाद एक प्लेट के अंदर ये पिज़्ज़ा रख दीजिएगा और ऊपर से उसे कवर कर दीजिएगा तो भी आपका जो पिज़्ज़ा है वो अच्छा बनेगा। बस थोड़ा सा कलर में और टेक्स्चर में डिफरेंस आएगा। तो देखिए अब इसे बेक होते होते करीबन 10-15 मिनट हो चुके हैं और जो हमारा पिज़्ज़ा है वो ऊपर से अच्छी तरीके से बेक होने लगा है और जो चीज़ वगैरह वो मेल्ट हो चुका है। तो देखिए अब मेरा OTG बंद हो गया है
और मेरा जो पिज़्ज़ा है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और सुंदर बन के तैयार हुआ है। मुझे देखने से ही पता चल रहा है कि ये बहुत अच्छी तरीके से पक चुका है। तो चलिए अब मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ। उसके बाद जैसे ही आप इसे बाहर निकालेंगे तो इसे बटर वगैरह के साथ थोड़ा सा साइड्स में ग्रीस कर दीजिएगा, जिसकी वजह से ये ड्राई ना लगे। तो देखिए इसके साइड में भी बहुत अच्छा कलर आया और ये खाने में बिल्कुल भी कच्चा नहीं लगेगा, बहुत ही अच्छी तरीके से पक करके तैयार हुआ है। तो चलिए अब जो हमारा पिज़्ज़ा है वो बन करके एकदम रेडी है, अब इसे गर्मा गर्म इन्जॉय करिएगा। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर पर बना करके ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कॉमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और मैंने तो इस पिज़्ज़ा का नाम चीज़ डोमिनेटर पिज़्ज़ा रखा है, तो आप भी कॉमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप इसे क्या बोलेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को और भी ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।